यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के सेशन में। तो मैं डॉक्टर अनुराग सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो 31 मार्च और 1 अप्रैल का न्यूज़ हम लोग आज देखेंगे, और कल से सेशन आज 2 और 3 तारीख का, मीन्स कल का और आज का सेशन कल सुबह होगा, ठीक है। So let's begin the session and let's see what is important in the news which is published in the various newspapers across the country in these 3 days, 30, 31 March और 1 अप्रैल का news। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं दैट इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा IAS Toppers मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर, एंड वहां से आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले भी न्यूज़ में आए हुए हैं और इस बार मैं प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस, लेट मी जस्ट पुट इट आउट हियर। तो चलिए शुरू करें क्या? यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो करंट अफेयर्स को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच एंड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच से हम लोग देखते हैं। डीकोड इंटरलिंक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन के लिए, वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग वेरियस क्वेश्चंस में फ्रॉम द करंट अफेयर्स, जिससे कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। 360 डिग्री अप्रोच प्रीलिम्स के लिए है, और प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं, कोई भी न्यूज का बैकग्राउंड जरूर से आता है, ठीक है। एंड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच अगेन फॉर द मेंस, 1-2 एक्सप्लेनर सेक्शंस जो द हिंदू या एक्सप्रेस में आते हैं रोज, वहां से मेंस के क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो चलिए देखा जाए क्या क्या न्यूज है आज की तारीख में स्टूडेंट्स, एंड लेट्स बिगिन द सेशन। यस, निकाल लीजिए एटलस, निकालिए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस, न्यूज नोटबुक निकालिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए, और सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये न्यूज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय का वैकोम सत्याग्रह, ये देखिए वैकोम सत्याग्रह। सो वैकोम इज अ प्लेस इन कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट केरल, जो अर्स्टवाइल ट्रावणकोर किंगडम में था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्रावणकोर किंगडम का मैं फोटो दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए यहां पर, ये साउथ केरल एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, प्रेजेंट डे तमिलनाडु ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ ट्रावणकोर। यस, तो आइए देखा जाए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आया न्यूज में स्टूडेंट्स इस जगह से, और क्योंकि ये एक्सप्रेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन आया स्टूडेंट्स, ये क्या था वैकोम सत्याग्रह। तो केरल चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जॉइंटली इनॉग्रेट द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। ओके, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं ऑफ द हिस्टोरिक एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट एट अ सेरेमनी इन वैकोम लेटर टुडे, ये परसों का न्यूज है। अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स है, मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है अबॉलिशन अनटचेबिलिटी का, मुझे बताइए। एंड इज इट मींस क्या उसके लिए एक्ट पास करना जरूरी है, अगर एक्ट पास करना जरूरी है उसको लाने के लिए फोर्स में, तो कौन सा एक्ट पास किया गया मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। तो वैकोम सत्याग्रह, लेट्स सी व्हाट इज देयर आउट हियर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय का ये मूवमेंट, ऑन March 13, 1924 इन द टेम्पल टाउन ऑफ वैकोम इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावणकोर अ नॉन वायलेंट एजिटेशन स्टार्टेड। अब मैं अगर रहूंगा यूपीएससी का एग्जामिनर, तो नॉन कोऑपरेशन के साथ में जो पैरेलल मूवमेंट्स चल रहे थे, एक मोपला रिबेलियन आ गया स्टूडेंट्स, इसके अलावा जतरा भगत एंड तना भगत मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स इन झारखंड, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वैकोम सत्याग्रह आ सकता है, मैं बता दूं, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए 1922 से शुरू किया गया था ये मूवमेंट, मैं बता दूं आपको, हाइट्स पे पहुंचा 1924-25 में। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टेंपल एंट्री मूवमेंट्स 1924-25 में शुरू हुआ था, लेकिन 1924 के पहले 1922 में इट वाज एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट। आइए देखते हैं, एट द टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी वाज राइफ अक्रॉस इंडिया विद सम ऑफ द मोस्ट रिजिड एंड डीह्यूमनाइजिंग नॉर्म्स डॉक्यूमेंटेड इन ट्रावणकोर। ये देखिए लोअर कास्ट लाइक एजावास एंड पुलायास वर कंसिडर्ड, ये देखिए लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग एंड वेरियस रूल्स वर इन प्लेस टू डिस्टेंस देम फ्रॉम द अपर कास्ट। This included prohibition not just on temple entry but even on walking on the road surrounding the temples. ये देखिए temple के चारों तरफ, मैं बता दूं आपको, मंदिर के चारों तरफ भी
चलने में पाबंदी थी, प्रोहिबिशन था। आइए देखते हैं और क्या लिखा हुआ इसके ऊपर। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन अपोजिशन टू दिस। इस न्यूज से आपको दो तीन नई बातें मालूम चलेंगी। ठीक है, अमिड्स राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट एंड एजिटेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर ग्राउंडेड सोशल रिफॉर्म्स। और मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी बात है इस मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, गांधीयन मेथड्स अहिंसा के ट्रेवनकोर में पहली बार साउथ इंडिया में लाए गए। सेकंड पॉइंट, कांग्रेस ने पहली बार सोशल रिफॉर्म से फोकस शुरू किया, क्योंकि इसके पहले का इतिहास नहीं है कि कांग्रेस ने सोशल रिफॉर्म पे फोकस किया था। यस, ये देखिए यहां देखते हैं क्या रीजन क्या था, क्यों ये मूवमेंट राइज अप करता है। स्टूडेंट्स तो मुझे बताइए कि कास्ट सिस्टम पहले से एक ट्रेडिशनल हायरार्की बेस्ड सिस्टम था हमारे समाज में। ठीक है, एंड इट वॉज अ मेथड लेटर वेदिक काल से, इट वॉज अ मेथड ऑफ थ्रू विच एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन वॉज डन विद द लोअर कास्ट। तो ये देखिए, कास्ट सिस्टम त्रावणकोर में यूनिक नहीं था, लेकिन बहुत रिजिड, रिफाइंड एंड रूथलेस सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स थे। और कुछ कस्टम्स तो ऐसे थे कि मैं बस एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, ये आया हुआ एग्जाम्पल इस न्यूज में, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अलमुटिल चन्नार एंड एजावा लोअर कास्ट वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन ट्रावणकोर टू ओन अ कार इन द अर्ली 20th century। Whenever the automobile reached a point on the road where the Ezawas were not allowed to pass, Channar had to get out of his vehicle and take another route on foot, rejoining the road later where his car driven by a Muslim driver would meet him. ये condition थी, car भी है तो चल नहीं पा रहे हैं car के अंदर। क्या ये चिंता की बात है, मुझे बताइए students। इतना ज़्यादा चिंता, Ezawas और Pulayas, ठीक है, यही एजावज और पुलायाज कुछ लोग पढ़ लिख लिए। ठीक है, देखें यहाँ पर एजुकेशन परस्यू किए, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एजावज का राइज दिखता है। ये देखिए एजावज का राइज दिखता है स्टूडेंट्स 1915-16 के आसपास से। दे द मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज अनटचेबल कम्युनिटी इन ट्रावणकोर। ये देखिए एजावज, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर और क्या लिखा है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। देखिए, अब सवाल यूपीएससी मेंस में ये भी पूछ सकता है, पूछता है यूपीएससी दैट रीजंस क्या थे कास्ट, रीजंस क्या थे टेंपल एंट्री या कास्ट कास्ट मूवमेंट्स को लेकर, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेकर क्या रीजंस थे, क्या वजहें थी कि जो समाज में जाति का जो कंसेप्ट चल रहा था वो टूटने के लिए, लोग तोड़ने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट 1915-16 के बाद से ही राइज होता है टेंपल एंट्री मूवमेंट्स का भी, ठीक है, और सोशल रिफॉर्म्स का भी, और साथ में आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है, आगे चलकर लीड करते हैं सोशल रिफॉर्म को। अब मैं यहाँ बता दूँ इसके पीछे रीजन्स, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज में दिया हुआ है, बहुत सटीक रीजन है स्टूडेंट्स। ये देखिए, In the second half of 19th century, a number of social and political developments would usher in social change much faster than ever before. First, the rise of Christian missionaries, ye dekhiye, supported by the East India Company, had expanded their reach and many lower castes converted to Christianity to escape the clutches of an oppressive system that continued to bind them. Ye pehli wajah kyun caste reform movement shuru hua, dekhiye yahan par. यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, वाइकोम सत्याग्रह में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, न्यूज में आया हुआ है परसों। सेकंड सेकंड, विद प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश रेसिडेंट एज वेल एज एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ वेल एजुकेटेड एंड समवट वेस्टर्नाइज्ड महाराजा अयिल्यम थिरुनल, मेनी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स टुक प्लेस। ये स्पेसिफिक इस जगह का रीजन है, देखिए केरल का, ट्रावणकोर का। ये देखिए महाराजा अयिल्यम थिरुनल, इनके कारण ये बहुत ये एजुकेट हो चुके थे और ये रिफॉर्म्स में विश्वास भी करते और प्रेशर भी था ब्रिटिशर्स का। ये देखिए यहां पर, एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम विद फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल इवन लोअर कास्ट ब्रॉट इन द सोशल रिफॉर्म्स। ये देखिए यहां पर ऑडियो ग्लिच है क्या, मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स, ऑडियो ग्लिच चल रहा है या नहीं, नहीं चल रहा है तो बताइए, चल रहा है तो बताइए, जिससे कि मैं ठीक कर सकूं, अगर कोई दिक्कत है तो टेल मी, जस्ट लेट मी सी इन माई। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा है ग्लिच, ठीक है। तो अगर सवाल पूछ दिया यूपीएससी ने
reasons for the caste reform movements and the temple entry movements in the first half of 20th century. Yes, आपको ये put up करना है students as reasons. ये reasons पहला Christian missionaries का rise, second the rise of महाराजा आइलियम थिरुनल, third the pressure from British residents, and fourth the modern education system. इसके अलावा lastly the forces of capitalism and these reforms created a new social hierarchy. कैपिटलिज्म का राइज इसी समय इंडियन इंडस्ट्रीज राइज कर रही थी, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज राइज कर रही थी इसी समय. और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, याद कीजिए कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज के राइज में, 1907 टिस्को मींस जमशेदपुर में, साक्ची में, 1914 से 18 के समय द राइज ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास. यस, और ये कैपिटलिस्ट क्लास के राइज से एक नया हायरार्की क्रिएट होगा, क्लास बेस्ड हायरार्की जो आज तक चल रहा है. तो ये एक चैलेंज कर रहा था कास्ट बेस्ड हायरार्की को. ये देखिए यहां पर द राइज ऑफ द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म. ये देखिए, इट वाज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रेडिशनल वंस. क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किया, कॉन्ग्रुएंट, ये नहीं था ऑन द सेम लाइंस, ये इनफैक्ट खिलाफ में जा रहा था, ये ट्रेडिशनल हायरार्की के साथ में सामंजस्य से नहीं बैठा पा रहा था. ये देखिए यहां पर, तो यही वजह है 20th सेंचुरी के समय there had begun to emerge amongst caste Hindus, Christians and even avant Hindus, especially Azawas, a significant educated elite. ये देखिए, और यही वजह था the reform movements took place. अब यहाँ एक नया point आपको मिलेगा students, और वो ये point है कि कांग्रेस ने 1918 के पहले किसी भी untouchability movement में support, means untouchability movement जो this अनटचेबिलिटी हटाने का मूवमेंट था उसमें किसी में भी सपोर्ट नहीं किया था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम. लेट्स सी क्या लिखा हुआ यहां पर. द इश्यू ऑफ टेंपल एंट्री इन वाइकोम सत्याग्रह वाज फर्स्ट रेज्ड बाय एजावा लीडर टी के माधवन. नाम इंपॉर्टेंट है, 1917 में. ये देखिए, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 ही बिगैन टू एडवोकेट फॉर मोर डायरेक्ट मेथड्स. दैट ईयर ही हिमसेल्फ वेंट बियॉन्ड द रेस्ट्रिक्टिव नोटिस बोर्ड्स ऑन द रोड नियर द वाइकोम टेम्पल इन नॉर्थ ट्रावणकोर टू मेक अ पॉइंट. ये देखिए, तो ट्रावणकोर में वाइकोम जगह पर मंदिर में जो नोटिस बोर्ड लगे हुए थे मंदिर के आसपास में, वो उसको आगे चले गए, उसके आगे चले गए टी के माधवन, फेमस पर्सनैलिटी. इट वॉज नॉट ईजी. द 1920s saw the upper caste counter agitation across Travancore and the Maharaja refused to institute reforms fearing backlash from the caste Hindus. ये देखिए, और इसी के लिए, इसी का फिर ये हुआ कंसेप्ट दैट गांधी का अराइवल यहां पर. ये देखिए, गांधी जी का अराइवल वाइकोम सत्याग्रह में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. ये सिग्निफाई कर रहा है द सक्सेस ऑफ गांधीयन मोड्स ऑफ स्ट्रगल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये देखिए, टिल 1917 द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू टेक अप सोशल रिफॉर्म्स. क्या बात है, ये आ सकता है सवाल प्रीलिम्स में, ये नोट कीजिएगा. Less the growing political unity of Indians against the British got disrupted. Bipin Chandra ne ye quote kiya tha. Ye dekhiye 1988 ki India struggle for independence jab kitab likhi to unhone quote kiya. Ye dekhiye. Yes, yes, PDF milega iska. Dekhiye, Congress ne 1917 tak, dekhiye ek badi bada reason. Gandhi ke aane tak Congress social reform nahi le raha hai, political reform le raha hai. Kyun? क्योंकि उसे डर है कि कहीं टूट ना जाए कांग्रेस. यस, क्योंकि ऐसे ही सूरत स्प्लिट के बाद 1907 के बाद कांग्रेस वीक हो चुका था. अब एक नया रिस्क लेने का दम नहीं था, दम नहीं था, खम नहीं था कांग्रेस के अंदर. ही देखिए यहां पर, और उसके बाद गांधी जी का अराइवल और वाइकोम सत्याग्रह. वाइकोम सत्याग्रह भी देखिए बहुत प्लान तरीके से लिया गया. देखिए यहां पर, इन 1923 काकीनाडा सेशन ऑफ द आईएनसी अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द केरल प्रोविंशियल कांग्रेस टू टेक अप एंटी टच अनटचेबिलिटी एज अ की इशू. ये देखिए, काकीनाडा सेशन 1923 का, मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. 1921 से ही टी माधवन ने शुरू कर दिया था ये मूवमेंट. ही देखिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाइकोम अ स्मॉल टाउन कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट जहां शिव का भगवान का मंदिर है, वहां लोकेशन पर पहला सत्याग्रह शुरू किया गया ट्रावणकोर में. Notably, to widen the appeal of the movement, leaders including Madhavan chose not to emphasize on temple re-entry, but they focused upon opening up the roads around the temple to Avarn. ये देखिए, तो untouchables के लिए temple re-entry पे focus नहीं किया टी माधवन ने. देखिए कितना planned तरीके से शुरू किया गया, मैं बता दूं आपको, ठीक है. और temple re-entry से कहीं ज़्यादा
रोड्स जो टेंपल के आसपास है उनमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की बात की गई, ये चारों सड़कें ये देखिए ओपन अप करवाने की बात की गई, और उसके बाद ये हाइट्स पे पहुंचता है 1924 में, ये देखिए सत्याग्रह आप देख सकते हैं, पुलाया एजावा एंड नायर्स जो भी मींस एजावा एंड पुलाया जब हमने देखा था अनटचेबल्स लोअर कास्ट, और उसके बाद हाइट्स पे पहुंचता है ये वाइकोम सत्याग्रह केरल में ट्रावनकोर किंगडम में। क्या क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां से दो चीजें क्लियर कट मिल रही हैं मुझे तो, मैं देख रहा हूं ठीक है। प्रीलिम्स के लिए पहला पॉइंट, 1917 के पहले कांग्रेस ने सोशल रिफॉर्म्स लिया ही नहीं था, डर था टूटने का। सेकंड पॉइंट, काकीनाडा सेशन 1923। थर्ड, वाइकोम सत्याग्रह पहला कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, साउथ इंडिया में टी माधवन लीडर। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स या टेंपल रीएंट्री मूवमेंट्स क्यों अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुए थे, रीजंस दिया हुआ यहां पर। एक बड़ा रीजन कैपिटलिज्म का राइज, ये देखिए यहां पर। चलिए आगे बढ़ चले, क्या ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेंस के लिए यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल मिल रहा है, ठीक है। यस पीडीएफ मिलेगा इस सेशन का, चिंता मत कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक के टॉपिक पर। साइंस फॉर ऑल, नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन, व्हाई इज द स्पेस एजेंसी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग टाइटन। ये देखिए क्या बात है, तो देखा जाए द हिंदू में ये शनिवार को आया है। After lining up ambitious moon and Mars exploration missions, US Space Agency NASA, National Aeronautics and Space Administration, ये देखिए, has set up its eyes on Saturn's largest moon, Titan। ये देखिए, Titan is the second largest moon in our solar system after Jupiter's Ganymede। ये आ सकता है pairs में, देखें यहाँ पर students, ये देखिए, Saturn का moon है Titan, Jupiter का moon है Ganymede। लार्जेस्ट है गैनीमेड, सेकेंड है टाइटन, इट इज लार्जर देन मर्क्यूरी, क्या बात है। इट हैज लेक्स रिवर्स क्लाउड्स एंड रेन्स ऑफ मीथेन ऑन द सर्फेस। टाइटन इज अराउंड 10 टाइम्स फार्दर देन द अर्थ फ्रॉम द सन एंड हैज इट सर्फेस टेम्परेचर अराउंड 179 डिग्री सेल्सियस। बट द बिगेस्ट थिंग ऑफ टाइटन इज, क्यों रिसर्च कर रहा है, क्योंकि टाइटन इज द ओनली मून ऑफ द सोलार सिस्टम टू हैव अ थिक एटमोस्फियर। ये देखिए, इनफैक्ट इट इज 4 times denser than that of Earth. You can see it here, students. क्या बात है, टाइटन मून, अपना एटमोस्फियर होना अपने आप में बड़ी बात है, yes. और इसीलिए this along with the moon's low gravity and freezing environments will allow dragonfly to stay aloft above the surface of the moon with less energy than it would need on other bodies. कम एनर्जी में dragonfly mission वहां पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए जुपिटर, जुपिटर मैंने कुछ प्लैनेट्स का यहां पर दे दिया है, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, सो जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस एज मैसिव देन द अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम कंबाइंड। जायंट प्लैनेट ग्रेट रेड स्पॉट इज अ सेंचुरीज ओल्ड स्टॉर्म बिगर देन द अर्थ। ये देखिए, इस प्लैनेट पर ग्रेट रेड स्पॉट है, आपको पता होना चाहिए, ये सब प्रीलिम्स में आ सकता है स्टूडेंट्स। ये देखिए जुपिटर के ऊपर क्या बात है, ये 360 डिग्री अप्रोच मैंने बताया ना आपको। और ये देखिए, जुपिटर इज अ गैस जायंट लैक्स एन अर्थ लाइक सरफेस, शायद ये आउटर प्लैनेट है, आपने सुना होगा, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए दिस जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड, इसके 67 सैटेलाइट्स हैं, देखिए यहां पर क्या बात है। और जुपिटर के ऊपर फास्टेस्ट रोटेशनल वेलोसिटी जुपिटर का, हेंस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द डे। ये देखिए क्या बात है, देख सकते हैं आप, फास्टेस्ट वेलोसिटी रोटेशन का और शॉर्टेस्ट लेंथ डे का, ये देखिए यहां पर। आइए थोड़ा सैटर्न के बारे में देखा जाए, रिंग्स वाला प्लैनेट, रिंग्स वाला जुपिटर भी है, ठीक है, जाइंट प्लैनेट हैविंग रिंग्स, ठीक है। और ये देखिए सैटर्न में 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ आवर सोलार सिस्टम, ब्यूटिफुल रिंगलेट सराउंड द सैटर्न एंड सैटर्न 62 सैटेलाइट्स, टाइटन इज द लार्जेस्ट वन। ये देखिए, ओनली सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम टू हैव इट्स ओन एटमोस्फियर। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां पर, क्या ये क्लियर है मुझे बताइए। आइए देखते हैं वापस इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट इस न्यूज में। तो नासा से पूछा गया, क्यों भेज रहे हो यार सैटेलाइट, क्यों भेज रहे हो वहां पर, क्यों मिशन भेज रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू नासा, टाइटन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्थ बिफोर लाइफ टुक रूट। इसीलिए एटमॉस्फियर की स्टडी, ठीक है,
और दोनों के एटमॉस्फेयर में एक कॉमन चीज है नाइट्रोजन। ये देखिए, क्या अर्थ के भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबंडेंट है, मुझे बताइए। और है तो कितना नाइट्रोजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेट मी नो। इट इज ऑल्सो देयर इन टाइटन मून, बस एक कमी है, टाइटन लैक्स ऑक्सीजन, जो कि हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है। देखिए, तो टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन पड़ा हुआ है, देखिए अथाह मात्रा में, देख सकते हैं आप। तो ड्रैगन फ्लाई इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे, देखेंगे लाइफ क्या वहां पर हो सकता है, नहीं हो सकता, यही सारी चीजें हैं। ड्रैगन फ्लाई मिशन इज अ पार्ट ऑफ नासाज न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम ऑफ नासा, इसने लॉन्च किया था पहले, उसमें सबसे पहला मिशन था न्यू होराइजन्स मिशन टू प्लूटो एंड द कुइपर बेल्ट, नेक्स्ट जूनो मिशन टू जुपिटर, जूनो के ऊपर, जूनो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर 2018 मेंस यूपीएससी का क्वेश्चन जीएस पेपर वन ज्योग्राफी में, ठीक है। जूनो टू जुपिटर, ओसिरिक्स आरईएक्स टू द एस्टेरॉयड बेनू एंड द न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम में अब अंततः ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, द मिशन इज ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये देखिए, सवाल आ सकता है, पूछता है यूपीएससी, न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम नासा का, उसमें कौन कौन से सब मिशन से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जूनो स्पेसक्राफ्ट, देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आ गया मेंस में। क्यों आ गया? क्योंकि डिटेल्ड कवरेज दिया था सारे न्यूज़पेपर्स ने, नासा ने खुद का पेपर निकाला था जूनो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, मैं बता दूं आपको। तो यही है स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स के बारे में और टाइटन मून के बारे में। ये देखिए, ड्रैगन फ्लाई मिशन आपका होमवर्क है। इसके पहले क्या और भी कोई मिशन किसी सैटेलाइट के लॉन्च किए गए हैं या नहीं, देखिएगा। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी, ये परसों का न्यूज है, मैं बता दूं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर, इसरो ने संडे को सक्सेसफुली, ये इनफैक्ट कल का न्यूज है, दिस संडे को सक्सेसफुली लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का। ये देखिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरएलवी, ये देखिए स्पेस टेक का न्यूज, साइंस एंड टेक में, ठीक है। आइए देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स का एक चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक कौन से कंट्री से हम लोगों ने लिया है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। चिनूक एक विंड का भी नाम है उस कंट्री में, मुझे ये भी बताइए। तो उससे ड्रॉप किया गया आरएलवी टीडी फ्रॉम 4.5 किलोमीटर अल्टीट्यूड एंड इसरो एग्जीक्यूटेड द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द आरएलवी टीडी प्लांट, ये देखिए। एंड इसका मतलब साफ है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अगर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया सफलतापूर्वक, तो आगे बहुत बड़े रिपरकशंस हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग में और स्पेस लॉन्च स्पेस मिशंस में। आरएलवी टीडी कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूजिलेज दैट इज बॉडी, अ नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स एंड ट्विन वर्टिकल टेल्स, ये देखिए इस जगह पर स्टूडेंट्स, ये देखिए रीयूजेबल, देखिए यहां देख रहे हैं आप डेल्टा विंग्स, ये देखिए आरएलवी, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स। यस, यूएसए में चिनूक इज द स्नो ईटर विंड, ठीक है। और ये देखिए, एंड ऑल्सो फीचर सिमेट्रिकली प्लेस्ड एक्टिव कंट्रोल सर्फेसिस कॉल्ड एलेवॉन्स एंड रडर, ये देखिए। तो इसके फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, आरएलवी टेक्नोलॉजी अगर सफलतापूर्वक टेस्ट हो गया तो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट ये देखिए, लो वेस्ट जनरेशन इन द स्पेस लॉन्चेस, डू यू एग्री, ये देखिए लो वेस्ट जनरेशन, क्या बात है। सेकेंड पॉइंट, लो कॉस्ट लॉन्चेस, ये देखिए, यस ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट स्पेस टेक डेमोन्स्ट्रेशन, ये देखिए इंडियाज इमेज विल राइज अप, डू यू एग्री, टेल मी, इंडियाज इमेज विल राइज अप, ये देखिए इमेज एनहांसमेंट, एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल बी अचीव्ड एंड रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट ऑन द एनवायरनमेंट, एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए। सवाल आ जाएगा तो आप पुटअप कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। यस, स्पेस डेब्रिस रिडक्शन भी, यस लो वेस्ट जनरेशन एंड लेस एंड स्पेस दिस स्पेस डेब्रिस रिडक्शन ऑल्सो। सिक्स नंबर पॉइंट, ये सारे लॉन्च व्हीकल्स वापस कहां पर आते हैं, ओशन में।
सो ओशनिक पॉल्यूशन, मराइन पॉल्यूशन भी रिड्यूस्ड, ये देखिए ओशनिक पॉल्यूशन रिड्यूस्ड, ये देखिए स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, सेवेंथ पॉइंट, अब सारा पैसा आरएनडी की तरफ, ये देखिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत तेज हो चले हैं भाई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके और इससे क्या कुछ मिसाइल में भी आ गया, लॉन्चेस में हेल्प मिल सकता है, यस आइए देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इज जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट, ठीक है, दिखाने के लिए। देखो 100 में 100 आया है क्वेश्चंस में, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर का मॉक टेस्ट में, देखो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यस इसका एक और मतलब है लेस एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ गुड मैन्यूवरिंग, ये देखिए गुड मैन्यूवरिंग, मैनूवर जितना अच्छा होगा उतने कम एक्सीडेंट्स होंगे, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में अच्छी मैन्यूवरिंग जरूरी है। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन्ड इंडिया सोलार पुश ऑगर्स आ लूमिंग वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज, मेंस का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ग्रीन एनर्जी इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, नो टेल मी, क्लियर? तो जैसे आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप जिम में जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे, ओके, मीन्स अर्ली ट्वेंटीज या कॉलेज गए तो शौक चढ़ा जिम में जाने का, अब तो जिम में जाएंगे बॉडी बनाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट डे ही जाकर मस्त सेल्फी लेने का नहीं, वो सब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अलग बात है, नेक्स्ट डे से जाना बंद, ठीक है, लेकिन वही दिन, इसका मतलब साफ है TD इज अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, यस। तो आइए देखते हैं, ग्रीन एनर्जी इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, यस ग्रीन एनर्जी कभी कभी परेशानी का सबब होता है, और यहां तो सबब ही सबब है, ये देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए ये देखिए, इसे रिन्यूएबल कहते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ऑलवेज ग्रीन एनर्जी, ये देखिए नॉट ऑल रिन्यूएबल्स आर ग्रीन एनर्जीज, डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ चला जाए, क्या लिखा है, ये है फोटोवोल्टाइक पैनल्स, देखा है आपने इसको, कितने लोगों ने घर पर लगा भी लिया होगा, ये अलग बात है ये काम नहीं करता होगा, नहीं मुझे बताइए, ये देखिए फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं, देखिए क्या एकदम टशन में, देखिए जिसके घर के ऊपर लगा हुआ है, कि हम लोग रिन्यूएबल्स, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइए देखते हैं, चमक तो रहा है अच्छे से, देखा जाए क्या लिखा हुआ इसमें, देयर हैज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बीन कंसर्टेड पुश फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड थॉट लीडर्स इन इंडिया टू ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी अमंगस्ट अदर्स थिंग्स इनेबल इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ये देखिए, हाउएवर वेस्ट मैनेजमेंट इन द सोलार फोटोवोल्टाइक सेक्टर स्टिल लैक्स क्लियर डायरेक्टिव्स, यही लिखा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे खासे डायरेक्शंस आए हैं, नहीं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट में डाल दिया गया फोटोवोल्टाइक सेक्टर को, देखिए यहां पर ये वैसे ही डाल दिया, जैसे कि आप अपनी कॉपी में यूपीएससी, ठीक है यूपीएससी की कॉपी, जिसे मैं पूछूंगा कि कहाँ है तुम्हारी कॉपी जिसमें तुम नोट्स तैयार करते हो, आप कॉपी दिखाइएगा, मैं पूछूंगा इसमें पॉलिटी कहाँ है, सर पॉलिटी यहाँ पर है, इकोनॉमी कहाँ है, सर इकोनॉमी 5 पन्ने बाद है, और साइंस एंड टेक कहाँ है, सर 10 पन्ने बाद है, एनवायरमेंट का है, सर पीछे से कॉपी से अंतिम 5-6 पन्ने हैं, ये क्या चल रहा है, सब मिक्स हो गया सर, हॉच पॉच हो गया, क्या किया जाए, एक ही कॉपी है। वैसे ही यहां पर सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स भी, फोटोवोल्टाइक पैनल्स भी ई वेस्ट हैं, अलग से इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं, सब उसी में डाल दिया, ये सब कूड़ा एक जगह पर, ठीक है, जैसे आप घर का कूड़ा एक जगह पर डालते हैं, वैसे ही कुछ कंसेप्ट। तो ये देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिवाइज किया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में, ब्रॉड सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड पैनल्स एंड मॉड्यूल्स अंडर इट्स एम्बिट, ये देखिए वो फोटोवोल्टाइक सेल भी बोल रहा है, क्या बात है, जब काम करने की बात आई तो मुझे अलग से रिन्यूएबल में पुश किया कि मैं दिस इंडिया अचीव कर रहा रिन्यूएबल्स में ये टारगेट्स, और जब मेरा काम समाप्त हो गया तो कूड़े में ई वेस्ट के साथ डाल दिया, मेरे लिए अलग से तो कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं ही लीड करूंगा आगे चलकर रिन्यूएबल सेक्टर को, सोलार एनर्जी का फोटोवोल्टाइक पैनल यही कह रहा है दुखी मन से भारत सरकार से। तो देखिए यहां लिखा हुआ है
क्या वाकई में हैंडलिंग सही है या नहीं नहीं है। ग्लोबली इंडिया स्टैंड्स फोर्थ इन सोलार फोटोवोल्टाइक डिप्लॉयमेंट, ये नोट कर लीजिएगा, चौथा रैंक है इंडिया का। इंडिया सोलार पावर स्टॉल कैपेसिटी हैड रीच्ड नियरली 62 गीगावाट बाय नवंबर 2022। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये देखिए, इंडिया कुड जनरेट 50,000 टू 325,000 टन ऑफ फोटोवोल्टाइक वेस्ट बाय 2030 एंड मोर देन 4 मिलियन टन बाय 2050। कल को कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर से ही तीन तरह का कूड़ा निकल रहा हो, एक ड्राई, एक वेट और बगल में फोटोवोल्टाइक पैनल का कूड़ा, शीशा गिर गया ऊपर से, बैटरी गिर गया, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट का बॉल जाकर लग गया फोटोवोल्टाइक पैनल में, शीशा टूट के गिर गया नीचे, ठीक है, जो भी है। तो ये देखिए अब इसके अंदर क्या होता है। इंडिया सोलर फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशन आर डोमिनेटेड बाई क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ये देखिए क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, अ टिपिकल फोटोवोल्टाइक पैनल प्रीलिम्स का सवाल स्टूडेंट्स, ये देखिए, इज मेड ऑफ 93% क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स एंड 7% ऑफ कैडमियम टेलुराइड, ये देखिए कैडमियम टेलुराइड के साथ में सिलिकॉन मॉड्यूल्स। अब सिलिकॉन मॉड्यूल्स में वही ग्लास शीट आता है जिसको आप क्रिकेट के बॉल से मींस मारकर और तोड़ देते हैं, देखिए, एंड एल्यूमिनियम फ्रेम एन कैप्सुलेंट अ बैक शीट कॉपर वायर्स एंड सिलिकॉन वेफर्स, ये देखिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट्स आ सकता है, कैडमियम टेलुराइड और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल। अब सवाल ये है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी तक आप क्रिकेट नहीं खेले हैं बगल में इसलिए अच्छा लग रहा है, जैसे क्रिकेट खेल लीजिएगा सब खत्म, तमाम समाप्त, ठीक है। आइए देखते हैं, इज दिस वेस्ट रिकवर्ड और रिसाइकल्ड, ऑल दिस फोटोवोल्टाइक पैनल्स रीच देयर एंड ऑफ लाइफ, भाई सबका अंत तय है इस संसार में। Some portions of the frame are extracted and sold as scrap. Junctions and cables are recycled according to e-waste guidelines. The glass laminate is partly recycled and the rest is disposed of as general waste. ये देखिए, वही general waste जो जाकर पर्यावरण में फेंक दिया जाता है, उसका कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जिसे जो मिलता है उसे मिक्स करके प्लास्टिक में खा लेते हैं कभी कभी, और अगर ये चला गया समुद्र में तो समुद्र में चमकेगा, it will shine bright. एकदम इतना अट्रैक्ट करेगा और उसके टर्टल्स आएंगे, टर्टल्स वो सारी चीज़ें खाते हैं जो चमकदार होता है, शो वाले एनिमल्स मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो टर्टल्स वो सारी चीज़ें, ठीक है, टर्टल्स एंड टर्टल्स का पूरा फोकस ही रहता है चमकदार चीज़ें खाने पर, और अगर सूर्य किरण आकर चमक गई उसके ऊपर तुरंत भाग कर आएगा खाने के लिए उस पैनल को, सोचिए कहाँ तक चला जाएगा फूड चेन में। सिलिकॉन एंड सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई बर्निंग द मॉड्यूल एंड सीमेंट फर्नेसेस, क्या बात है, बर्न कीजिए और एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालिए, क्या शॉर्टकट तरीका, ये देखिए सीमेंट फर्नेस में बर्न करके पर्यावरण पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, इतना ही नहीं, देखिए ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ओके, इसके बाद जो रिमेनिंग है वो जाकर लैंडफिल में, मैंने कहा ना एक जगह कूड़े में, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब वहीं पर पाए जाएंगे उसके बाद। अब लैंडफिल में क्या होता है, लैंडफिल डिस्पोजल इन टर्न कॉजेस एसिडिफिकेशन, लीचिंग ऑफ टॉक्सिक मेटल सच एज लेड एंड कैडमियम इनटू द सॉयल एंड कंटामिनेट्स द लोकल वाटर। आपने ये सवाल देखा होगा जब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट ट्यूटीकोरिन, यस, याद कीजिए 2020 का प्रीलिम्स का, 2021 का प्रीलिम्स का पेपर, क्या ये सवाल आया था मुझे बताइए। उसके बाद ग्रेजुअल इंसिनरेशन, अगर इसको बर्न कीजिएगा इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बात है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड इनटू द एटमॉस्फेयर। मालूम चला था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फोटोवोल्टाइक पैनल टशन में जाकर खरीद लिए, लाकर लगाया गया, 10 साल के बाद जब उसका लाइफ खत्म हो गया 15 साल के बाद, और कुछ क्रिकेट बॉल से तोड़कर बच्चों ने तोड़ दिया उसे, तो ले जाकर कुछ कुछ निकाल लिया वहाँ से सिल्वर एंड सिलिकॉन, बाकी सब कूड़े में फेंक दिया, कुछ जला दिया, जलाया तो उसी से मर गई, ये देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का देखिए प्रोडक्शन, देखिए स्टूडेंट्स क्या बात है, मींस एकदम शॉर्टकट तरीका, देखिए टॉक्सिक मेटल्स, पानी से बचे तो हवा, देखिए लोकल वाटर कंटामिनेट हुआ उससे बचे तो जो हवा निकली यहाँ पर बर्न करने से
हाइड्रोजन साइनाइड, उसी से मर गए। देखिए बहुत दिक्कत स्टूडेंट्स, फोटो रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, ये सवाल आ सकता है, इसे याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब सवाल ये कि इंडिया में क्या इस सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ है? नहीं है, बाकी कंट्रीज ने किया है। द मेथड्स अदर कंट्रीज हैव अडॉप्टेड टू मैनेज सोलर फोटोवोल्टिक वेस्ट कुड बी गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर इंडिया टू डेवलप मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, रीसाइक्लिंग टेक एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन दिस फील्ड। ये देखिए तो चाइना ने अपने यहां इंट्रोड्यूस किया है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड टू इंप्रूव द रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स, उसका लाइफ बढ़ाने के लिए। यस, ये देखिए उसका लाइफ बढ़ाने के लिए, एंड ताकि थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ सके और कम पॉल्यूशन हो। लेकिन इंडिया में तो गैप ही गैप है, मैं बता दूं। देखिए पहला गैप, Simply clubbing photovoltaic waste with other e-waste could lead to confusion. Do you agree? Tell me, students. ये देखिए, ये पहला problem इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट में, ये देखिए। Instead, India should formulate and implement provisions specific to specific photovoltaic waste treatment. ये देखिए। Second, government should also build a legislative framework to enforce extended producer responsibility. EPR, सुना है आपने, मुझे students बताइए। देखिए, second point. बाकी कंट्रीज ने इंप्लीमेंट किया, यहां भी चाहिए। एंड अ सेंट्रल इंश्योरेंस और अ रेगुलेटरी बॉडी शुड बी सेट अप टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस इनकर्ड इन वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये देखिए रेगुलेटरी बॉडी, क्या बात है, रेगुलेटरी बॉडी बारे में इंडिया बहुत तेज है, बस मौका लगना चाहिए तुरंत। अरे क्या बनाना है, कमेटी बनाना है, अब भी बन जाएगा एक सेकंड के अंदर। अरे कोई बॉडी बनाना है, उसमें कोई आईएएस को बैठाना है, अरे अब भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। या कोई रिटायर्ड जज है या कोई रिटायर्ड आईएएस है, उनको बैठाना है, ठीक है, चलिए क्या दिक्कत है। फर्क बस इतना है कि क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है। सेकंड, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स एंड देयर कंपोनेंट्स इज क्लासिफाइड एज हजार्डस वेस्ट इन इंडिया। टू फर्दर ड्राइव होम द नेसेसिटी ऑफ दिस लेबल, पैन इंडिया सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन फोटोवोल्टाइक वेस्ट मैनेजमेंट विल बी बेनिफिशियल। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हजार्डस वेस्ट है स्टूडेंट्स, आपने देखा भी, अवेयर करना जरूरी है लोगों को। मालूम चला लोग क्या कर रहे हैं कि ठंडे का मौसम है, ठीक है, ठंडे का मौसम है और दिसंबर का मौसम है, दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है यार बर्न करने को। अरे यार फोटोवोल्टाइक पैनल पड़ा हुआ है यार बगल में कूड़े में, यार वही लेकर आए, जलाया, आग सेक रहे हैं, मर गए, ठीक है, चले गए ऊपर, क्यों, हजारों स्वेस्ट था, हाइड्रोजन साइनाइड निकला, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सुला दिया वहीं पर। देखिए, सो क्लियर रीसाइक्लिंग टारगेट्स एंड रीसाइक्लिंग रेट्स इन द फोटोवोल्टाइक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी डायरेक्टिव विल बी गुड एज वेल। थर्ड, कंसीडरिंग इंडियाज लोकल सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल मैन्युफैक्चरिंग इज लिमिटेड, वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू डोमेस्टिक आरएनडी एफर्ट्स। देखिए आरएनडी एफर्ट्स, देखिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट। तो बस ये सवाल पक्का इस बार, मैं बता दूं आपको, साइंस रिपोर्टर में भी आया हुआ इस बार, All renewable is not green. Yes, correct है, बिल्कुल students. ये topic देख लीजिएगा और prelims में यहाँ से सवाल निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि दिल्ली में जब अगर आप आग सेक रहे हो तो photovoltaic panel मत डालिएगा, hydrogen cyanide निकलता है। आप कह रहे होंगे जनता को वहाँ आसपास में कि क्या बात है, renewable energy को जलाकर हम लोग, ठीक है, क्या green energy को जलाकर आगे बढ़ रहे हैं, मर गए, ग्रीन हो गए खुद ही, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट, सवाल निकल सकता है यहां से प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। मेंस में व्हाट आर द गैप्स, पॉलिसी गैप्स, ठीक है, ठीक है, पॉलिसी गैप्स इन दिस फील्ड, क्या ये क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स। नहीं, अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है और बच्चों को भी अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है कि भाई देखो क्रिकेट खेल रहे हो तो इसके दूर रहो, भले शीशा तोड़ दो किसी के घर का लेकिन इससे दूर रहो। नहीं, नेक्स्ट, राइजिंग अंटार्कटिका आइस मेल्ट विल ड्रामेटिकली स्लो ग्लोबल ओशन फ्लोस, मूड खराब हो जा रहा है ये सब न्यूज देखकर, देखिए, ठीक है, एवरी डे सेम न्यूज इज कमिंग अप, क्या कहा जाए। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये क्या लिख रहा है, टेम्परेचर चेंजेस विल लीड टू, ये देखिए टेम्परेचर राइज will lead to the glaciers melt, ये तो चल ही रहा है, ये देखिए glaciers melting will lead to sea level changes। आप बोलेगा सर कुछ नया चीज बताइए, sea level rise will lead to problems in the ocean currents, yes, ये देखिए also sea level rise will lead to problems in the density of the ocean, density reduce होगा मुझे बताइए, ये देखिए density of ocean water, yes, ये देखिए
Also, will it impact the salinity of the ocean water? ये देखिए, yes. क्या बात है, ये देखिए. And will this impact the food chain of the ocean? ये देखिए, food chain impacted. देखिए, तुरंत तुरंत हाथों हाथ पर बन गया एक फ्लो चार्ट. देखिए स्टूडेंट्स, सो इंक्रीज टेम्परेचर लीड टू ग्लेशियर्स मेल्ट, ग्लेशियर मेल्ट विल लीड टू सी लेवल चेंजेस, सी लेवल राइज विल लीड टू ओशन करंट्स प्रॉब्लम्स एंड डेंसिटी विल रिड्यूस ऑफ द ओशन वाटर, ऑल्सो सैलिनिटी चेंजेस लीड टू फूड चेन प्रॉब्लम्स कंप्लीटली. इज इट क्लियर? यस, कोरल इज इंपैक्टेड, कोरल्स, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन जिसे कहते हैं वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे. बस इस पूरे दिस टॉपिक में इतना ही है स्टूडेंट्स, इस अंटार्क्टिका टॉपिक में. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यूज है स्टूडेंट्स, परसों आया है, ये देखिए. व्हाई इज रशिया प्लानिंग टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस? ये देखिए, बेलारूस कहाँ पर है आपको पता है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये है बेलारूस का लोकेशन. ये देखिए लिथुआनिया, ये देखिए रशिया का कालिनिनग्राड पोर्शन, क्या आपको पता है? ये देखिए पोलैंड, और ये देखिए बीच का हिस्सा, इसे सुवाल्की गैप कहते हैं. इस बार आ जाएगा प्रीलिम्स में सुवाल्की गैप. और रशिया कह रहा है बेलारूस मेरा दोस्त कहां है तू, मैं लगाऊंगा आपके यहां न्यूक्लियर वेपन्स. पोलैंड में यूएस ने लगाया है, जोसेफ बाइडेन यहीं पर मशीन गन लेकर खड़े लग रहा है. ये देखिए यहां पर, ठीक है, इस जगह पर. इधर से रशिया प्यूटिन आ जाएंगे, ये देखिए कहा जाएगा दोनों आपस में लड़ लो वहीं पर, ठीक है. तो ये देखिए यहां पर बेलारूस इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ CSTO. डू यू नो अबाउट द CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? दो बार न्यूज में आ गया. कजाकिस्तान में भी इसने प्रोटेस्ट को हैंडल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और अब बेलारूस में देखिए इसका न्यूज. 1992 में साइन किया गया था ये, देखिए स्टूडेंट्स, ताशकंद पैक्ट के तहत. इट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्सो पैक्ट. डू यू नो अबाउट द वॉर्सो पैक्ट? टेल मी. तो वॉर्सो पैक्ट जब खत्म हुआ सोवियत यूनियन का, तब बनाया इसको ताशकंद पैक्ट के तहत, वॉर्सो पैक्ट को रिप्लेस करता हुआ CSTO. ये देखिए, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन एट द UN जनरल असेंबली. CSTO मिलिट्री एक्सरसाइज इज कॉल्ड रुबेज. उज्बेकिस्तान विथड्रू इन 2012. ये देखिए, एंड इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया है रशिया ने. ये देखिए, तो दिस इज इट स्टूडेंट्स अबाउट CSTO. अब देखिए यहां लिखा हुआ कुछ नया नहीं है, आइए देखते हैं बस ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं, जिसको लेकर जोसेफ बाइडेन को मेमोरी लॉस और दिक्कतें चल रही हैं, और प्यूटिन को भी टेंशन चल रहा है. देखा जाए, डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस ऑगमेंट द एबिलिटी टू ओवरकम डिफेंसेज ऑन टैंक्स एंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम एज केमिकली एंड रेडियोलॉजिकल टॉक्सिक हैवी मेटल. ये देखिए, सो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस कंसिस्ट करते हैं, एंड रशिया कह रहा है दैट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पुट अप करने से कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिस के खिलाफ नहीं जाएंगे हम लोग, एंड रशिया विल नॉट वायलेट एनी ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, दैट्स इट. तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ही देखिए बाकी जगहों पर पुट किया गया है. यूएस ने पुट अप किया बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, नीदरलैंड्स में, तुर्की में. देखिए, मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स. तो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है. सो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रेफर टू स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स मेंट फॉर यूज ऑन द बैटल फील्ड और फॉर लिमिटेड स्ट्राइक्स. ये देखिए, बड़े वेपन्स नहीं, छोटे वाले, ठीक है, पॉकेट में रखा हुआ यूरेनियम ऐसा कुछ. तो लड़ाई चल रही है, पॉकेट से निकाल कर यूरेनियम निकाल कर फेंक दिया कहीं पर, जैसे पर्स निकाल कर फेंक रहे हैं वैसे ही. तो यही होगा स्टूडेंट्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का डेफिनेशन. इसी को पुटअप करने के लिए बेलारूस में परेशान, हैरान, चिंतित रशिया. CSTO न्यूज में, सवाल की गैप न्यूज में, यू कैन सी इट हियर. चलिए आगे बढ़ें, इंडियन इकोनॉमी में न्यूज है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई है मेंस में, इस बार पक्का सवाल. इस बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस है स्टूडेंट्स. ये देखिए मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, ये रिलीज कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी.
और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल पर रिलीज होती थी विद टारगेट्स अप्रोच, टारगेटेड अप्रोच। इस बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने टारगेटेड अप्रोच नहीं अपनाया है, लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी ये कहा जा रहा है, एंड बस एक टारगेट अपनाया गया है। जब तक ये फॉरेन पॉलिसी चलेगी बाय 2030 $2 trillion एक्सपोर्ट्स का टारगेट है, दैट्स इट। सो इंडिया एम्स टू अचीव एन एम्बिशियस गोल ऑफ $2 trillion इन एनुअल एक्सपोर्ट्स बाय 2030 एंड पोजिशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल ट्रेडिंग हब अकीन टू दुबई एंड सिंगापुर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 2023 का ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहली बार ये फोकस कर रहा है नो एनुअल टारगेट्स, देखिए लिख लीजिएगा नो एनुअल टारगेट्स, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये देखिए। एंड इट कम्स आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years, 5-5 साल के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती थी 2015-20 में, लास्ट 2015 में लास्ट फॉरेन पॉलिसी रिलीज हुई थी, 2021 में रिलीज होना था नहीं हो पाया। सो 3 years एक्स्ट्रा गैप के बाद आया है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये देखिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज ऑफ 7 years, 7 years के लिए ये लाया गया 2030 तक के लिए, एवरी टाइम इट वॉज फॉर ओनली फॉर 5 years, ये देखिए, ठीक है। सो दिस इज इट कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि ट्रेड में आगे बढ़ेगा देश, बढ़ेगा देश। लेकिन इधर एक न्यूज है, डंपिंग ड्यूटी अनलाइकली ऑन इंडोनेशियाज विस्कोज, ये देखिए विस्कोज, ये लाइव मिंट का सेकेंड न्यूज इंडियन इकोनॉमी का। विस्कोज क्या होता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर, विस्कोज इज अ मैनमेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए विस्कोस स्टेपल फाइबर एंड इट्स अल्टरनेटिव टू कॉटन, ठीक है। ये ग्राजिम छोड़ दीजिएगा, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। सो इट्स अ वर्सेटाइल फाइबर यूज इन अपैरल्स, होम टेक्सटाइल्स, ड्रेस मटेरियल्स, निटवेयर्स एंड नॉन वोवन एप्लीकेशन, ये देखिए। और ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडोनेशिया में, कॉटन का ऑल्टरनेट है मैनमेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर, यस दैट्स इट। तो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री मे नॉट इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस स्टेपल फाइबर फ्रॉम इंडोनेशिया, तो कहा जा रहा है पहले इनका प्लान था इंपोज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, लेकिन अब इंपोज नहीं किया जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आपको, एंटी डंपिंग ड्यूटी पुटअप किया जाता है जब द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर वेरी लो इन द मार्केट, इट इज पुश्ड बाय द फॉरेन कंट्रीज एंड इट्स वेरी लो एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइसेस। तो ये क्यों नहीं पुट कर रही है भारत सरकार, क्योंकि टेक्सटाइल जो लोग बनाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि पुट करने से महंगा हो जाएगा टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल फिनिश्ड गुड्स, लेट अस टेक इट फ्रॉम इंडोनेशिया, इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं इम्पोज किया जा रहा है अभी। यहां से प्रीलिम्स में एक सवाल स्टूडेंट्स, विस्कोस स्टेपल फाइबर क्या है, एंड सेकेंड पॉइंट में बता दूं आपको, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज नहीं करने से मुझे बताइए क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्सेटाइल फाइबर मिलेगा। यस, इंडोनेशिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है विस्कोस का, एंड सेकेंड पॉइंट कॉटन के भी प्राइसेस कम रहेंगे मार्केट में, क्योंकि उसका अल्टरनेट है ये, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस विस्कोस स्टेपल फाइबर। एंड लास्ट में कस्टम ड्यूटी रिमूव्ड ऑन ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेस, इस बार लिख लीजिए पक्का सवाल, नहीं तो नाम बदल दीजिएगा। रेयर डिजीज के ऊपर 6 न्यूज आ गया 1.5 साल के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयर डिजीज। रेयर डिजीज के कुछ मैं एग्जांपल्स यहां दे रहा हूं, ये आया हुआ है द हिंदू में इस बार न्यूज, ये देखिए। द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड रेयर डिजीज इंक्लूड्स प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, लिजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुछ कुछ जेनेटिक इलनेसेस होती हैं जो कि आज तक नहीं मालूम चला कि क्यों होती हैं। और इस पर न्यूज़ क्या आया था मैं बता दूं, 2020 में हाई कोर्ट दिल्ली में एक केस जाता है, वो केस एक एनजीओ करता है, वो एनजीओ ये कहता है कि रेयर डिजीज से जो अफेक्टेड हैं बच्चे बचपन से ही जन्म से, उनके लिए कौन क्या कर रहा है, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए इसके ऊपर। हाई कोर्ट दिल्ली का सरकार को नोटिस जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंटिंग द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एंड ही कम्स एंड सेज ओके द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ओवर इट, हाई कोर्ट उसका डांट लगाता है, फटकार लगाता है,
कब तक सोचते रहोगे? लॉन्च करो पॉलिसी। 2021 में पॉलिसी लॉन्च होती है इसकी, उसके बाद वो पॉलिसी के बारे में न्यूज आता 2022 के जून में, लास्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद ये न्यूज आता है दैट पॉलिसी बन गई है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और फिर बार बार ये न्यूज आ रहा है दैट रेयर डिजीज के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा है। स्टूडेंट्स, रेयर डिजीज क्यों दिक्कत में, मैं बता दूं आपको। और रेयर डिजीज का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स यहां पर दिस इन द न्यूज। सो व्हाट आर रेयर डिजीजेस, लेट सी व्हाट आर रेयर डिजीजेस, इट्स रिटन आउट हियर। रेयर डिजीज एज द नेम सजेस्ट आर कंडीशंस दैट अफेक्ट वेरी फ्यू पीपल। द WHO डिफाइंस इट एज एनी डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विद अ प्रेवलेंस ऑफ लेस देन 10 पर 10,000 पॉपुलेशन। ये देखिए 10,000 लोगों में 10 या उससे कम लोग पीड़ित। अदर कंट्रीज फॉलो स्टैंडर्ड्स रेंजिंग बिटवीन 1 and 10 केसेस पर 10,000। डिनोमिनेटर 10,000 है, न्यूमरेटर 10 या 1 से 10 के बीच में। यही सवाल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। इंडिया ने अभी पॉलिसी बनाया इसके ऊपर लास्ट ईयर, बट पॉलिसी इज येट टू टेक इफेक्ट। अब ये पहला न्यूज आया है कि कुछ राहत है इन लोगों को जो लोग रेयर डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं। मेडिसिन एंड फूड्स नीडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 51 रेयर डिजीजेस हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। दिस इज द फर्स्ट हैप्पी न्यूज फॉर दिस पीपल विद द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन स्टेटिंग ड्रग्स मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस स्पेसिफाइड। बस इतना काफी है। इन मेडिसिन पे पहले 10% का कस्टम ड्यूटी था, हटा दिया गया है। अब आप कहिएगा स्टूडेंट्स की सर इन दवाइयों का कितना दाम होता है? बहुत दाम होता है। व्हाई आर दे सो एक्सपेंसिव? बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज वेरी लेस। जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना महंगा पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि आप जब, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप 2 किताब प्रिंट करते हो तो 1 किताब का दाम 1,000 रुपये आता है, और अगर आप 2,00,000 किताब प्रिंट करते हो तो 1 किताब का दाम 100 रुपये आता है। दैट्स इट। देखिए सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वेरी लेस प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, यस वेरी लेस प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, R&D रिक्वायर्स स्पेसिफिक साइंटिस्ट। ये देखिए स्पेसिफिक पर्सनल R&D में। एंड थर्ड पॉइंट, इट रिक्वायर्स बायोटेक्नोलॉजी विच इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी एट प्रेजेंट। ये देखिए आप कहिएगा कि सर क्या ये पॉलिसी लाई गई है इंडिया में? देखिए नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी, यही देखिए 2021 में लाया गया है। ट्रीटमेंट फॉर सम रेयर डिजीज कैन वेरी फ्रॉम ₹10,00,000 टू 1 करोड़ पर ईयर फॉर अ चाइल्ड वेइंग 10 kg। ये देखिए अच्छा खासा अमाउंट है। आप कहिएगा कि सर इसके अलावा और क्या रेयर डिजीज के लोगों के लिए और क्या क्या स्टेप लिए गए? देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस 2021। सेकेंड पॉइंट, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट्स। थर्ड, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। नाम सुना है आप लोगों ने, कब बनाया गया था सबसे पहले मुझे बताइए? 1996, रिसेंट 2022 में चेंज किया गया। इसके बाद 2016 में चेंज किया गया था। एंड सम न्यू मेडिसिन हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, सम हैव बीन रिमूव्ड। मैंने पूछा था आप लोगों से किस बेसिस पे मेडिसिन रिमूव होते हैं, किस बेसिस पे मेडिसिन ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर NLEM में मेडिसिन ऑफ रेयर डिजीज हैव बीन पुट। ये देखिए ये इस बार आ सकता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए मैक्सिमम रेयर डिजीज तो जेनेटिक होती है, यस मैक्सिमम रेयर डिजीज जेनेटिक ही होती है, लेकिन ऑल रेयर डिजीज आर नॉट जेनेटिक, सम ऑफ देम आर नॉट जेनेटिक। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट ही देखिए यहां पर NGOs आर वर्किंग इन द फील्ड, एंड ये फोर्थ स्टेप है, एंड मैनी पिटिशंस आर लाइंग विद द गवर्नमेंट एंड विद द कोर्ट्स। ये देखिए पिटिशंस, दैट्स इट। क्या ये क्लियर है मुझे बताइए? इस बार रेयर डिजीज और NLEM के ऊपर में से एक सवाल आएगा दोनों में से। ठीक है, आइए देखा जाए स्टूडेंट्स, दिस वाज द न्यूज, द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे, द रेयर डिजीजेस सिस्टिक फाइब्रोसिस लिजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके पहले आपने क्या देखा? विस्कोस स्टेपल फाइबर क्या होता है,
मेरा तो अगर हमसे पूछिएगा तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड से सवाल कैसे आ सकता है रिगार्डिंग दिस सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नेचुरल फाइबर होते हैं। एक बार यूपीएससी ने बहुत पहले सवाल पूछा था इसके ऊपर, इसके पहले यूपीएससी ने बहुत पहले इस पर सवाल पूछा था सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के ऊपर। ठीक है, 2 मिनट्स नेक्स्ट। इसके पहले स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने पढ़ा, क्या क्या चेंजेस हैं इस बार। उसके पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा दिस बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मैंने बताया, और CSTO क्या होता है मैंने बताया। उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स में क्या फ़र्क, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में दिस वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और इसके अलावा देखिए वेस्ट मैनेजमेंट इस बार आने वाला है मेंस में, ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट आया हुआ है, EPR PPP पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस कैन कम अप इन द मेंस। ठीक है, और साथ में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कैसे अंटार्कटिका आइस मेल्ट करेगा तो उसका असर फूड चेन पे पड़ेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने पढ़ा दिस द टॉपिक ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं स्पेस मिशंस के लिए। उसके पहले ये देखिए सैटर्न के मून टाइटन पे भेजा गया है नासा का एक मिशन, नाम है इसका ड्रैगन फ्लाई मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटन इज द ओनली मून ऑफ द सोलार सिस्टम टू हैव इट्स ओन एटमॉस्फियर, अपना एटमॉस्फियर केवल टाइटन के पास है, ओनली मून। ठीक है, इसके पहले आपने वाइकोम सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, मैं बता दूं आपको इसमें फेमस ये ट्रेवनकोर केरल की बात है, ये लोअर कास्ट मूवमेंट था। ठीक है, एजावा कम्युनिटी ने लॉन्च किया था ये देखिए, एंड इसके पर्सनैलिटी टीम TK माधवन। और मैं बता दूं आपको दैट ये गांधी जी का ये पहला सोशल रिफॉर्म अगर देखा जाए तो एक्टिव स्तर पर यही था। ठीक है, इसके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू टेक अप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये देखिए गांधी के आने के बाद ये शुरू होता है। तो नॉन कोऑपरेशन के समय मोपला रिबेलियन भी हुआ था और एजावा मूवमेंट भी हुआ था, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, वाइकोम सत्याग्रह कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट केरल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, दैट्स इट। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, 2 और 3 तारीख का न्यूज़ कल हम देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, एंड करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं कल की तारीख में।